सबसे पहले प्रतिदिन थोड़ी देर भस्त्रिका प्राणायाम, श्वासों को भीतर गहरा भरें, बाहर छोड़ें, लंबा गहरा सांस भरना, डायाफ्राम तक फेफड़ों में भरना, पेट में नहीं भरना, बस इतना ध्यान देना। श्वासों को भीतर गहरा भरें और बाहर छोड़ें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। सावधानी कुछ खास, यदि हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे करना, कमर में दर्द है तो धीरे करना। कोई भी प्राणायाम, चाहे वो कपालभाति हो या अनुलोम विलोम हो, यदि आपको सर्वाइकल स्पोनाटिस पेन है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो धीरे करना, धीमी गति से करना। अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, तो प्राणायाम धीमी गति से करें, खाली पेट प्राणायाम करें, 2 मिनट भस्त्रिका कर लेना, लंबे गहरे श्वास यूं भरना, बाहर छोड़ना। बीजी व्यक्तियों के लिए इजी योग, आप कभी न छोड़ें योग, 2 मिनट रोज कर लेना ये भस्त्रिका प्राणायाम। यदि आधा घंटा आपको योगाभ्यास करना है तो 2-2 मिनट भस्त्रिका बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, श्वासों पर ओम का ध्यान, और 10 मिनट ये 5 प्राणायाम, और 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, और 10 मिनट के अंदर 3 मिनट में लगभग सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, और 7 मिनट में 7 योगाभ्यास योगासन पूरे हो जाते हैं। भस्त्रिका के बाद में आप कपालभाति प्राणायाम करें, श्वासों को बाहर छोड़ें, बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, ब्रीथ को एक्सेल करना, इनहेल होगा नॉर्मली, एक्सेल करेंगे फोर्सली। भस्त्रिका से जहां 5 प्राणों का, 5 कोशों का, 5 तत्वों का, पूरे देह का पोषण होगा, वहीं कपालभाति प्राणायाम को करते वक्त विचार करना, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, इससे पेट की सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस ए बी सी, सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की, ओवरी की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ठीक होंगे। श्वासों को बाहर छोड़ना और बाहर मध्यम गति से, मध्यम शक्ति के साथ छोड़ना। टोटल स्किन डिजीज, सोरासिस, लिकोडर्मा, दाद, एक्जिमा, ये सारी समस्याएं, और कपालभाति से ही थायराइड की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी। थायराइड के लिए कपालभाति प्राणायाम थोड़ा वक्त फिर अधिक लगाना पड़ेगा आपको, लगभग 15 मिनट पूरा कोर्स इन प्राणायामों का है, 3-3 मिनट भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, बाह्य प्राणायाम, प्राणों के साथ प्राणों की आराधना, और 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, परंतु कम वक्त मिले तो 5 मिनट तो कम से कम रोज कपालभाति कर ही लेना। और बस प्रार्थना पूर्ण हृदय से, रोग विकार अशुद्धियां व्याधियां पीड़ाएं सब बाहर निकल रही, इस भाव के साथ कर। बाहर छोड़ना सांसों को, यूं नहीं करना, ये उल्टा होगा, छोड़ना, न चेहरा बिगड़ेगा, न आंखें बिगड़ेगी, न भ्रूमि बिगड़ेगी। श्वासों के साथ लयबद्धता, पूरे समर्पण के साथ आपको प्राणायाम करना है, इसी से होगा कुंडलिनी शक्ति का जागरण, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण, चेहरे पर ओज तेज आएगा, आभा आएगी, नेचुरल ग्लो आएगा। श्वासों को बाहर छोड़ते रहना ये जरूरी है, प्रतिदिन प्राणायाम कम से कम 5 मिनट, कितने ही व्यस्त हो आप, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, इनको तो छोड़ना है नहीं, 10 मिनट का वक्त तो जरूर लगा लेना। कपालभाति प्राणायाम के बाद में आप बाह्य प्राणायाम करना, श्वासों को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से होगा।
बाहर रोक देते हैं, त्रिबंध लगते हैं, थोड़ी को कंठ को पे लगाते हैं, जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ के पीछे लगाते हैं, उद्यान बंद, नाभि से निचले भाव को खींच कर रखते हैं, मूल बंद। इस तरह से आप तीन बार कर लेना। हाठा बीपी की प्रॉब्लम हो तो न करना, सर्वाइकल पेन हो तो जालंधर बंद न लगाना, शेष तीन बंद के साथ, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से कर सकेंगे। स्वस्थ हैं तो कीजिए, अन्यथा आप अग्निसार क्रिया करके ही इसका लाभ पा सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, पेट को अंदर खींचना और ढीला छोड़ना। प्राणायाम और अग्निसार के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, लंबा गहरा सांस लेना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना, दाएं नाक को अंगूठे से, बाएं नाक को बीच की दो उंगलियों से बंद करना, मृदंड सीधा होगा, सहज श्वासों की गति। बाएं से करेंगे प्रारंभ, बाएं से ही प्रारंभ, बाएं पर ही समाप्ति, बाएं से स्टार्टिंग, बाएं से एंडिंग होगी। छाती में डायफ्राम तक भरेंगे सांस, भीतर गहरा, पेट में नहीं भरेंगे, बस इतनी सावधानी खास। करते रहे, अभ्यस्त होने के बाद 5 मिनट आप लगातार कर सकते हैं। कीजिए, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, आंखें बंद मन सहज, चेहरा नहीं बिगाड़ना, भ्रूणों को नहीं सिकोड़ना, अष्ट चक्रों का, नौ द्वारों का शोधन होगा इससे, पूरा इंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा इससे, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा, वाइटल एनर्जी का लेवल अप होगा। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से जीवन में सुधार। योग यात्रा में आगे है अनुलोम विलोम प्राणायाम से रहिए स्वस्थ। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कपालभाति प्राणायाम से स्वास्थ्य में लाभ। टॉक्सिन्स ऑक्सीजन बॉडी के अपने आप कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था रेगुलर हो जाएगा, हार्मोन्स टोटल बैलेंस हो जाएंगे, पूर्ण आरोग्य पाओगे आप। ये 7 प्राणायाम के अभ्यास ऐसे ही हैं जिससे भीतर का सारा असंतुलन मिट जाता है, और भीतर का असंतुलन मिटा तो बस आप स्वस्थ हो गए। भीतर का असंतुलन, इनबैलेंस हो गए थे, भीतर के दोष, वो अनियंत्रण, अनियमितता, विषमता, वही तो है व्याधि, वो मिट जाएगी अनुलोम विलोम से, सकारात्मक भाव जागेगी भीतर। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत आदि प्राणायाम, ये इसी तरह की पूरी प्रक्रिया है जिससे आप प्रखर प्रज्ञा का शिखर भी पाते हो, आप संबोधि को पाते हो, स्थित प्रज्ञ हो जाते हो, मन शांत हो जाता है, सकारात्मक आप अपने अस्तित्व से, अपनी चेतना से गहरे जुड़ जाते हो। ततक्षेते प्रकाश आवरणम, मन के ऊपर आया हुआ असत अविद्या तमस का आवरण भी हटता है, समाधि भी लगती है, व्याधि भी मिटती है, दिव्य विचार, दिव्य भाव पैदा होते अपने आप भीतर से, सारों से ब्रह्मानंद बरसा। इस भाव के साथ करना अनुलोम विलोम,
बहस करना, सिर से लेकर के पैर तक की सारी बीमारियां, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, पोलियो, आंखों की समस्या, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या, एलर्जी की समस्या, नाक का बंद होना, मांस बढ़ जाना, चेहरे की झुर्रियां, दांतों की समस्या, पैरिया की समस्या, कान की समस्या, हार्ट की समस्या, फेफड़ी की समस्याएं, अस्थमा, कफ, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, सारी बात, पित्त कफ की समस्याएं, पेट की समस्याएं, कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करने से हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर, और धीरे धीरे पेनक्रियाज के भी बीटा सेल कपालभाति अनुलोम विलोम से एक्टिवेट होते हैं और डायबिटीज तो कंट्रोल हो ही जाती है, कुछ दिनों में क्योर भी, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होंगे। सारी व्याधियां, फाइलेरिया की, पायरिया की समस्या, सारी शरीर में शोथ, ये सारी समस्या अपने आप बैठ जाए। अनुलोम विलोम ये 5 मिनट कम से कम से रोज कर ले, फिर इसके बाद में अनुलोम विलोम 5 मिनट करने के बाद आप भ्रामरी करना, लंबे गहरे सांस फेफड़ों में भरना, जब भी भरें आप अनुलोम विलोम करें, चाहे भ्रामरी करें या उद्गीत करें, सांस देखो अनुलोम विलोम में भी फेफड़ों में गहरे भरने, चेहरा नहीं बिगड़ेगा, आंखें भ्रूण नहीं बिगाड़ेंगे, पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ सही विधि से अभ्यास, विधि ठीक हो, टाइमिंग ठीक होना चाहिए प्राणायाम का। ज्यादा खतरनाक व्याधि है तो समय इनका बढ़ाना पड़ेगा, कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने पड़े, फेफड़ों में श्वास गहरा भरे, विधि ठीक रखें, समय ठीक रखें, पवित्र संकल्प के साथ करें, फिर जो बेनिफिट होने हैं वो होंगे ही, विधि, समय, संकल्प और सिद्धि, यही है योगाभ्यास की पूरी प्रक्रिया। अनुलोम विलोम के बाद में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, अजय चक्र में मन की एकाग्रता, अपने आप एक आप है, एक ज्योति का आलोक प्रकट होगा, अजय चक्र में मन शांत हो जाएगा, सहज हो जाएगा, और हम विराट के साथ, असीम के साथ जुड़ जाएंगे, व्याधियां तो सारी मिटेंगी ही, भीतर से अलौकिक ऊर्जा पैदा होगी। योग यात्रा में अब तक आपने देखा अनुलोम विलोम प्राणायाम से रहिए आरोग्य। योग यात्रा में आगे है भ्रामरी प्राणायाम से दूर करें तनाव। योग यात्रा में अब तक आपने देखा अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्वास्थ्य में लाभ। अनुलोम विलोम से तीनों नाड़ियों का शोधन और भ्रामरी से फिर दिव्य ज्योति का यहाँ प्रकटीकरण होगा, आलोक पैदा होगा, अपने आप आज चक्र में प्रथम अंगुली माथे पर, शेष तीन अंगुलियों को पर, कान पूरी बंद, अंगूठे से भ्रामरी प्राणायाम भाव के साथ कम से कम 3 बार रोज कर लेना, श्वास भीतर गहरा भरते हुए नासिका से ओंकार करना, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, श्वास भीतर गहरा भरते हुए, सच्चिदानंद ज्योतिर्मय तेजोमय दयालु कृपालु परम पिता परमेश्वर का पूरी श्रद्धा के साथ में आह्वान, हे युगो युगों के सखा, जन्मों जन्मों के पिता, हे वात्सल्यमयी करुणामयी माँ, अब तो अंतर में आन मिलो, भाव के साथ पवित्र ओम शब्द का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम, बाबा जी मैं 67 वर्ष का हूँ, मेरे हृदय का ट्रांसप्लांट हो चुका है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका 20 से 25% ही हृदय काम कर रहा है,
और हिदायत दी है कि कहीं पर भी जाएं तो किसी को साथ लेकर जाएं। मुझे जब पसीना आता है तो सारा शरीर ठंडा पड़ जाता है और छाती के दोनों तरफ दर्द होता है। डॉक्टर कहते हैं 1000 में से कोई एक आदमी ऐसे रोग से बचता है। बाबा जी कृपा करके मुझे बचाएं और मुझे योग का कोई उपाय बताएं। आरएल रैना, फरीदाबाद, हरियाणा। हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त काम करता है और यदि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो चुका है तो प्राणायाम करने में कतई आपत्ति नहीं है। बस प्राणायाम जोर से ना करें, यूँ ना करें और कपालभाति ऐसे जोर से ना करें, अनुलोम विलोम भी ऐसे जोर से ना करें, सभी प्राणायाम धीरे धीरे करें। हम हमेशा कहते हैं हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी, कमजोर लोग हैं, जिनको कमर में दर्द है, जिनको हर्निया है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो धीरे धीरे ही प्राणायाम करें। तो आप भी धीरे धीरे प्राणायाम करें, आपके हृदय की क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षमता। अर्जुन की छाल एक एक चम्मच सुबह शाम गाय का दूध और पानी बराबर मिला करके उसका काढ़ा बना करके पिए। एक कप दूध, एक कप पानी, एक चम्मच अर्जुन की छाल उबाल लें और एक कप शेष रह जाए तब छान करके पी लें। यदि थोड़ा सा इसका हल्का सा कसाई सा टेस्ट होता है, हल्का सा कड़वा लगता है, तो इसमें आप मीठा डाल करके ले सकते हैं, किसी तरह की कोई इससे आपत्ति नहीं है। और लौकी का जूस, लगभग 200-250 ग्राम लौकी का जूस, लौकी को छिलका उतार करके और उसका रस निकाल लें और उसमें लगभग 5 काली मिर्च और 7 पत्ती तुलसी के, 7 पत्ती पुदीना के डाल करके उसको आप दोनों टाइम भी पी सकते हैं। थोड़ा ठंडा होता है, यदि आपको इससे पीने से सर्दी लगती हो तो थोड़ा सा, या आपको जोड़ों में दर्द हो जाता हो और पहले से आपको यदि अस्थमा कफ एलर्जी की प्रॉब्लम हो तो इसको गर्म करके पिएं या सूप बना करके पिएं। खास हिदायत, जो भी लोग लौकी का जूस पी रहे हैं, चाहे वो हार्ट के लिए पी रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, चेहरे की कांति को बढ़ाने के लिए, या कॉन्स्टिपेशन के लिए या एसिडिटी के लिए, उन सब के लिए एक बहुत ही जरूरी खास हिदायत, कड़वी लौकी का जूस कभी न पिए। योग यात्रा में आज आपने देखा प्राणायाम से बनाए संपूर्ण जीवन स्वस्थ है।